नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। आज रथयात्रा ता विषय में किसी आपुआ कथा ये भिडियो जरिया आपको पहुँचा चेषा करी, तेणु मो सहित जोड़ रुहतु और भिडियो को लास्ट पर्यटन देखु। मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ, एक्सेट टैलेंट बॉलीवुड नाम आप सर्च कर सब्सक्राइब करदे। तो आज मुझे भिडियो जरिए आपको सबुज रथ मध्य सबुज रथ कौन ता विषय आपको जनईबी, तेणु भिडियो को पूरा जाए देखते। तो चलत आरंभ करवा। तो जगन्नाथ रथ विषय कौन कौन अकुआ कथा। ओडिशा जगन्नाथ मंदिर हूँ भारतर अल्प केतेक ओडिया हिंदू मंदिर मध्य गोटे, जोठार केवल हिंदू धर्म अनुगामी को भितर को जीवन करने को मिलता है अनुमति, किंतु अन्य धर्म व अन्य धार्मिक संप्रदायर लोक को पूरी जगन्नाथ मंदिर को जीवन भितर को जीवन अनुमति मिल न था। तेणु भगवान से प्रभु जगन्नाथ से मानकर अनुगामी मानक दर्शन देवाई रथयात्रा मध्यम से बाहर को बाहरी था। जुगे से बाहुड़ा यात्रा मध्य भी होता है। से रथयात्रा नौ दिन मौसी माँ का घर को जाती बुलवाक, यही बुलवापुर से नौ दिन पर पुणी रथयात्रा मध्यम बाहुड़ा यात्रा मध्यम से पूरी मंदिर को फेरी आसती। तो रथयात्रा तीन जन विग्रह स्थापन कर रथरे यहाँ मौसी माँ मंदिर पर्यटन नहीं जाए। तेनाली जगन्नाथ बलराम और सुभद्रा तीन देवता तीनोटी भिन्न भिन्न रथरे निया। तो तीन जन रथर नाम जमी जगन्नाथ नंदीघोष, बलराम तालध्वज और सुभद्रा दर्पदलन। तो जगन्नाथ रथर उच्चता 44 फुट एवं 18 चक से लगी था। प्रभु बलराम रथरे 16 चक और 43 फुट उच्चर रथ या जमीका सुभद्रा माँ सुभद्रा देवी रथर चक 14 और यार उच्चता 42 फुट होता है। तो रथयात्रा एक आकर्षण तथ्य हूँ जो देवता मान रथ प्रत वर्ष नूतन भाव निर्माण कर जानते कि। तो ये व्यवहित समस्त सामग्री और काठ पुणी नुआ भाव व्यवहार कर यहाँ तैयारी करता है। तथापि रथर मॉडल एवं गठन डिजाइन तार उच्चता के मान समानता असमानता के देखा नहीं था। यह सब वर्ष पर सामान अदृश्य परिमाप अदृश्य रही था। तो प्रत्येक रथर आगे चारोटी घोड़ा लगी था, से जड़े सारथी बस था जो रथ चाला कर। रथ जात्रार एक आकर्षण तथ्य आउ गोटे कथा है, रथ को आम आपड़ी रथ जात्रा के रथ टाणी को जाइए देखिए रथ आगर भी टणा होता है पचर भी टणा होता है। तो रथ टणा हवा समय आपन को लगे के रथर गतिशील अवस्था रही है बोली रथ जमी जो ढाई सेड़ा रही आपको जना पड़ो के गतिशील अवस्था देखा जाए ना रथ। तो जो मैंने रथ को देखी से जो वस्त्र व्यवहार हुए रथ वस्त्र को जो ढांकी रखी था सी वस्त्र 1200 फुट लंबर होता है। यही वस्त्र को 15 जन टेलर 15 जन कारीगर गोटे टीम तैयारी कर बहुत मास 2 मास 3 मास पूर्व यार व्यवहार मैंने सिलई कम आरंभ कर। तो भारतर राजतंत्र अतीतर बहुत दुर्बल हो पड़ा। तो ये तो आम प्रजातंत्र चलती राजतंत्र ना कि, किंतु पुरी रे आमर गजपति महाराज जे कि जगन्नाथ बहुत प्रिय सी सुना झाड़ू छेरा पोरा कर रथयात्रार शुभक्रम आरंभ करती। तो राजा शासन एत पर्यंत पुरी जगन्नाथ मंदिर मध्य रही अच्छी। तो आउ गोटे कथा ये कहवाक जी, तो दिन रहीपर 9 दिन रहीपर जितेबले मौसी माँ छाड़ी मौसी माँ को छाड़ी जगन्नाथ फेरी आसती श्रीमंदिर को, सेतेबेले कौन हुए कि पोड़पिठा जोटा कि उड़ीसा रो प्रिय पिठा और जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रिय पिठा। तो से पोड़पिठा को सेठी सेवन करजे आ भक्तवृंद मत सेठी पोड़पिठा खायापाई बहुत पसंद करती बहुत आग्रह सहित बहुत सेठी माने खायापाई बहुत झड़प हुए। तो पोड़पिठा खिया जाए तो अधरपणा तापर जगन्नाथ मंदिर सामने अधरपण लगा जाए प्रभु जगन्नाथ को एवं सुना वेश होता है। तापर भगवान जगन्नाथ से निजर घर को फेरी जाती श्रीमंदिर को। तो आपन को मुझे प्रथम जे सबुज रथ विषय कह सबुज रथ कौन यहाँ कौटी कहीं केमी कौन यह 2007 मसीह बरगढ़ जिले में सबुज रथ रोटा कि आयोजन कर पारंपरिक समारोह सहित कौन संपर्क ना एक असाधारण उत्सव थी। से कौन होता कि
ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାନ ମାନେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ହର୍ବାଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜାଗାରେ ସେ ତାଙ୍କର ହର୍ବାଲ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ଚାରା ରୋପଣ କରି ସେ ରଥର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁଜ ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସବୁଜ ରଥ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2007 ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଆଉ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରଥଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଖଜା, ପୁରୀ ଯିବେ ଯେଉଁଠି ଖଜା ସେଠି କିଣିକି ଆଣିବେ ମିଠା ଜିନିଷ, ଏହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକ ଆଉ ବହୁତ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ କିଛି ଅକୁହା କଥା, ମନେ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ତଥ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବି। ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଏକ୍ସେସ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବଞ୍ଚାଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।